एक बार मैं इस किताब के प्रारूप पर फिर चर्चा करना चाहूंगा कि आपके पास दो किताबें थी, किरण देना दो किताबें, मोटा मोटा से एक फॉर्मेट आपको बता देता हूं कि क्या हमने रखा। सबसे ऊपर रखा गया है जो समय का निर्धारण है, पाठ का नाम हो गया, थीम वाइज हमने रखने की कोशिश की थी, पाठ का नाम, उसके निर्धारित घंटे सबने देख लिया होगा किताब में लिखे हैं, उसके बाद अवधारणा इस पाठ में कौन कौन सी होंगी, फिर उसके जो समय का बंटवारा होगा, क्योंकि तीन चार फेजेज होते हैं क्लास, किसी भी क्लास को शुरू करने के तीन तरीके हैं। पहला, मैं ये जांच लूं कि ये बच्चे जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिनको मैं सिखाने जा रहा हूं कि वो किस स्तर पर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो किताब में लिखा और मैंने शुरू कर दिया। ये अध्यापक का दायित्व है कि वो ये जरूर जांचे, आप ये अध्यापक को जरूर बताएं, ऐसा नहीं है कि मुझे एक से नौ पढ़ाना है तो मैं एक से शुरू कर दूं, मुझे कुछ उससे पहले की बातें जाननी होंगी, उसके साथ बच्चों के साथ बात करनी होगी। मान लिया मुझे पढ़ानी भिन्न है, आती संख्या नहीं, तो मुश्किल होगा ना भिन्न पढ़ाना, तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की जांच वो कर ले, उसके लिए इसमें स्पेस है, क्या क्या गतिविधि आप करेंगे। आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि भैया आप पूर्ण ज्ञान जांचा जाएगा, खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, कॉपी ले लो, तुम्हारा पूर्ण ज्ञान जांचूंगा मैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप उनके जैसी बातचीत, घर जैसी बातचीत शुरू करो, जिसमें बीच बीच में आपके प्रश्न, आपके सवाल हों, ताकि आप उन सवालों के उत्तर के जरिए निश्चित रूप से तय कर सकें कि कौन बच्चा इसे जानता है और कौन करना भी है। दो समूहों में बांटना है और उसने दो समूहों में बांट दिया, तो मैं एक प्रश्न करूं कि इस वस्तु को इस समूह में क्यों रखा, अगर वो वाजिब कारण दे देता है, या ये दोनों समूह आपने किस आधार पर बनाए, अगर वो आपके आधार को बता देता है, अपने आधार को, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में क्या है और मैं क्या सोच रहा हूं, तो ये तय कर लेंगे कि वास्तव में ये ठीक सोचता है। और अगर वो, मैं कह रहा हूं कि ये इसमें क्यों रखी और वो संबंधित नहीं होती है बात, तो ये समझना जरूरी हो जाएगा कि ये तुक्के लगा रहे। ऐसे ही कर दिया इसमें तो काम, इतना जांचने के बाद फिर बाद में कार्यपत्रक है, तो ये भी जांच हो जाएगी कि मैंने क्या पढ़ाया है और बच्चों को कितना आया। उस कार्यपत्रक को पता लगाने के बाद एक जो लास्ट में बिंदु है, अनुवर्तन, बड़ा कठिन सा शब्द लगता है ये, अंग्रेजी में इसको फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप मतलब मैं पढ़ा रहा था, सबके सब 100% नहीं सीख सकते हैं, ये तय है, दिक्कत मान लिया किसी को आई, तो मैंने जिस तरह से बातचीत की थी, बातों का उद्देश्य वही रहेगा, लेकिन मेरे कुछ कुछ बातों के संदर्भ बदल जाएंगे। अभी मैंने बाजार की बात की थी, अब मैं खेल के मैदान की बात करूं, अब मैं खेत की बात करूं, अब मैं घर परिवार की बात कर लूं, लेकिन मेरे जो आधार में बात वही रहे जो मैं उनके साथ कर रहा था, पहले से ही करता आ रहा था।